अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, आई एम योर मैथमेटिक्स लेक्चरर इरम मुश्ताक फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पंजाब ग्रुप हाई स्कूल जड़ावाला। स्टूडेंट्स होप यू आर फाइन एंड वेल। टुडे 4th जुलाई 2020 वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 3.7 ऑफ चैप्टर 3 इन दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, जो हमने एक्सरसाइज 3.2 और इसके अलावा 3.4 एक्सरसाइज 3.5 एक्सरसाइज की थी, उससे रेलिवेंट ये क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल या फिर आप कह सकते हो कि ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना है। वही पहले वाला तरीका होगा कि जो फाइंड से पहले वाला डाटा है उसकी मदद से हम के की इक्वेशन और के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसमें जो है वो नेक्स्ट डाटा पुट करेंगे और आपके पास जो है वो जो रिक्वायरमेंट है आपकी या अननोन वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसे। द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब, जो एरिया ए है, क्यूब का मतलब यहाँ पे कोई जो है वो जो बंद शक्ल होती है ना, मकाब, उसको कहते हैं। अच्छा, एरिया जो है डायरेक्टली वेरी कर रहा है स्क्वायर ऑफ लेंथ एल ऑफ एन एज, ठीक है। तो यानी आपने सिर्फ इसमें से इतनी इन्फॉर्मेशन को देखना है कि एरिया है और वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है किसके साथ, स्क्वायर ऑफ लेंथ के साथ, सिर्फ इतनी बात। और ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एल स्क्वायर के, ए इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा के आपने कांस्टेंट लगाया और एल स्क्वायर इसको आपने इक्वेशन वन का नाम दे दिया। यहाँ तक आपने पहले वाले से जो है वो एक्सप्रेशन बना लिया, अपना एक इक्वेशन बना ली। उसके बाद वो कहते हैं कि एरिया जो है वो 27 है और एल 3 है, इसको आपने पुट कर देना इस इक्वेशन में ताकि के की वैल्यू आ जाए आपके पास। एरिया 27 और एल 3, तो ए की जगह पे 27 पुट किया के एज इट इज़, एल की जगह पे आपने 3 पुट किया, चूंकि एल स्केयर था तो 3 स्केयर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 9। ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा, तो 3 9 27 या 9 3 27, तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे फाइंड ए, आपने एरिया फाइंड आउट करना है, एल है 4 यूनिट्स, तो आपने बेटे इस इक्वेशन 1 में ये वाली के की वैल्यू पुट कर देनी है और साथ में ये सिर्फ जितना ये वाला डाटा है ना 0.1 में, सिर्फ इसको पुट करना है आपने और साथ में के वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो टू फाइंड ए के इज इक्वल टू 3, यानी के तो हर दफ़ा आपने यही लेना है, आगे जितने मर्जी जो है वो रिक्वायरमेंट्स हो। एल है अब 4 और एरिया आपने फाइंड आउट करना है, तो एरिया का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू के एल स्केयर, ए एज इट इज़ आ गया, 3 जो है वो के की वैल्यू और एल की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में 4 दी हुई है, पिछले वाली वैल्यू आपने यूज़ नहीं करनी। 4 का स्केयर लेंगे 16 आ जाएगा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो हो जाएगा बेटे 48 स्केयर यूनिट्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है, आपने जो है वो अब लेंथ फाइंड आउट करनी है और एरिया उन्होंने दिया है 12 दूसरे पार्ट में, तो अब हम पहले पार्ट वाला एरिया इसमें यूज़ नहीं करेंगे, इस यही वाला एरिया यूज़ करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। के की वैल्यू वही वाली यूज़ करेंगे, 3 जो एक दफ़ा फाइंड आउट कर ली है, एरिया का फार्मूला है ए इज इक्वल टू के एल स्केयर, एरिया है 12, के की वैल्यू है 3, एल स्केयर एज इट इज़ रहेगा। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड होगा, तो 3 4 12, एल स्केयर इज इक्वल टू 4, स्केयर रूट लेंगे क्योंकि आपको एल की वैल्यू चाहिए, तो उसके बाद जो है वो एल स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और स्केयर रूट के बाद आपको पता है प्लस माइनस में आंसर आता है, लेकिन लेंथ कभी भी माइनस नहीं होती, इसलिए जो है -2 को इग्नोर कर देना है, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले लेनी है और एल का आंसर आ जाएगा 2 यूनिट्स। अब जो इनके साथ इनके यूनिट्स लगाते हैं ना, वो बेटे उसको कैसे देखते हैं आप, आपने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त उनके साथ यूनिट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट पे देखें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसके हवाले से कोई ना कोई बात गिवन भी तो होती है। जैसे आपने एरिया जो है वो उन्होंने दिया हुआ स्केयर यूनिट्स में और लेंथ सिर्फ दी हुई है यूनिट्स में, तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी है एंड पे उसके साथ उसका यूनिट लगा देना है, और वो यूनिट आपको कहाँ से पता चलेगा, वो जो पूरा क्वेश्चन है उसके अंदर कहीं ना कहीं वो वाला डाटा मौजूद होगा यूनिट्स का, तो उसको देखते हुए आपने यूनिट लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सरफेस एरिया एस ऑफ अ स्फेयर, स्फेयर किसी गोल जो है वो कुर्रे को कहते हैं, वेरीज डायरेक्टली एज अ स्केयर ऑफ रेडियस आर एंड, अच्छा जी, एस जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है किसके साथ, स्केयर ऑफ रेडियस आर, यानी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आर स्केयर के, एस इज इक्वल टू के आर स्केयर, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट लगाया इसकी जगह और इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। उसके बाद बेटे वो आपसे कह रहे हैं कि एस इज इक्वल टू है 16 पाई और वेन आर इज इक्वल टू 2, तो आप ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे ताकि आपके पास के की वैल्यू आ जाए।
एस की जगह पे आपने लगाया 16 पाई और यहाँ पे के एज इट इज़, और आर की जगह पे 2 लगाया तो 2 स्केयर था, आर स्केयर तो 2 स्केयर हो गया, वो हो गया 4, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड होगा, 4 4 जार 16, तो 4 पाई रह गया के की वैल्यू। पाई की वैल्यू आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे सॉल्व होना है। इसने फाइंड आर, आर आपने फाइंड आउट करना है, यानी एक ही रिक्वायरमेंट है इसमें, और एस है आपके पास 36 पाई। तो आपने फिर जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है, इक्वेशन वन में आपने के की वैल्यू भी पुट कर देनी है और साथ में आपने जो है वो ये जो एस की वैल्यू गिवन है वो भी पुट कर देनी है, उसके बाद आपने जो है वो आर फाइंड आउट कर लेना है। और उसको आपको पता है दो तरीकाकार होते हैं, पहले या तो आप के की वैल्यू इसमें पुट करके नई इक्वेशन बना लें, फिर नई इक्वेशन में आप ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो पुट के इज इक्वल टू 4 पाई इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में के की जगह पे 4 पाई पुट कर दिया, इक्वेशन टू बन गई। अब इक्वेशन टू में आपने जो है ये वाली वैल्यूज पुट कर देनी है, एस की जगह पे 36 पाई, यहाँ से है जी ये टू फाइंड एस, एस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास आ जाएगा के इज इक्वल टू 4 पाई इन इक्वेशन, ये तो हम जो है वो पहले पुट कर चुके थे इसमें वैल्यू, उसके बाद जो है वो अब 36 पुट करना है, तो एस की जगह पे 36 आ गया, 4 एज इट इज़ पाई, और आर स्केयर हमने फाइंड आउट करना है। ये जो 4 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ आके डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद जो है वो पाई पाई से कैंसिल हो गया और 4 9 जा 36 9 रह गया, और इस तरफ आपके पास आर है तो आपने जो है वो इस आर स्केयर है, आपने इसका स्केयर रूट लेना है ताकि सिर्फ आर की वैल्यू आ जाए। स्केयर रूट के बाद आंसर आता है प्लस माइनस में, चूँकि रेडियस क्या है, एक जो है वो लेंथ ही होती है, तो ये भी कभी नेगेटिव नहीं होना, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का आपने ले लेना है। तो रेडियस आपके पास आ जाएगा 3 यूनिट्स, इसमें एक ही रिक्वायरमेंट थी वो फाइंड आउट हो गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन हुक्स ला द फोर्स ऑफ एफ अप्लाई टू अ स्ट्रेच अ स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली एज द अमाउंट ऑफ इलोंगेशन एस। तो सिंपल सी बात है कि एफ डायरेक्टली वेरी कर रहा है एस के साथ, सिर्फ बाकी सारा कुछ आपने इग्नोर कर देना, एफ डायरेक्टली वेरी कर रहा है एस के साथ, तो एफ इज इक्वल टू के एस, ये कॉन्स्टेंट लगा दिया इसकी जगह पे। उसके बाद है आपके पास एफ जो है वो दिया हुआ है 32 LB एंड एस है 1.6 इंचेस, तो आपने इसको जो है वो इन दोनों वैल्यूज को लगाना है इसमें, यूनिट्स इनके साथ लिखने की जरूरत है, और के की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। एफ है 32 और उसके बाद के हमने फाइंड आउट करना है, और एस है 1.6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 20। यहाँ तक आपके पास के की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फाइंड एस, वो कहते हैं एस फाइंड आउट करें व्हेन एफ इज़ 50। तो आपने इक्वेशन वन में के की वैल्यू और ये जो गिवन डाटा ये वाला है, बाकी अब और कोई वैल्यू नहीं यूज़ करनी, फाइंड के बाद वाला सिर्फ डाटा यूज़ करना है, वो भी पहले पॉइंट का जब पहली रिक्वायरमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास एस इज इक्वल टू ये 50 है, तो आपने इसमें पुट किया के इज इक्वल टू 20, एफ इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन वन, एफ इज इक्वल टू था के एस, एफ की जगह पे 50 और के की जगह पे 20, एस एज इट इज, ये 20 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और एस की वैल्यू आ जाएगी 5/2। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है वो आपने फाइंड आउट करना है इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट, एफ आपके पास फाइंड आउट करना है और एस है आपके पास 0.8। अगेन हमने इक्वेशन वन में वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यूज तो चेंज हो रही हैं लेकिन के की वैल्यू वही रहेगी जो कि है 20। ये आपके पास पिछले वाले पार्ट का जो है वो 5/2, तो इसको जो है आपने डिवाइड कर दिया 2.5 इंच, इसका आंसर आ गया। एस के साथ इंच लगा हुआ था तो आपने उसके साथ लास्ट में यूनिट लगा दिया। उसके बाद टू फाइंड एफ, एफ फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू वही रहेगी 20 और एस की वैल्यू है 0.8 इंच, उसे इक्वेशन वन में आपने बेटे पुट करना है, तो एफ इज इक्वल टू के एस, एफ आपने फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू है 20, एस की वैल्यू है 0.8। इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लगाया और उसके बाद पॉइंट की जगह अगले जितने डिजिट्स होते हैं उसकी जगह पे 0 लगा देते हैं। अब ये 0 पॉइंट ख़त्म हो गया, सिर्फ 8 रह गया, 10 टू जार 22 रह गया, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, और फोर्स के साथ जो है वो इसका यूनिट दिया हुआ था इस क्वेश्चन में एल बी, तो आपने जब फोर्स फाइंड आउट करनी है तो इसके साथ इसका यूनिट लगा देना है।
अब बेटे इसका इन सारे क्वेश्चंस का मेथड एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले जो आपके पास एक एक्सप्रेशन बनाना है, आपने जो डायरेक्टली वेरी करा है या इन्वर्सली वेरी करा है, उसके बाद के की इक्वेशन बनानी है, फिर आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और बेटे जब के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर आपने अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी है, उसमें जो भी चीज़ जो है वो फाइंड आउट करने को दी गई होगी आपने उस के की वैल्यू को यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर लेनी है।